Good morning, students. How are you all? Today again we are here with our first chapter, that is crop production and management. In our last lecture, I had given you the introduction about this chapter, what is all about this crop production and management. So now we are going to discuss about the agricultural practices, that how the crop is actually growing and harvesting. So in this first step is plowing, which is also known as tilling and leveling. So yes, first step is this only. This is preparation of the soil. Preparation of the soil is done by two methods. First one is plowing or tilling, and second one is the leveling. So yes, all the instrument. First of all, what do you mean by plowing? So plowing is the turning up, the process of loosening and turning of the soil. Loosening and turning of the soil, soil को basically जो जम चुकी है, पूरा crop production उस पर हो चुका है, वो जो सारे soil particle बिल्कुल fixed है, हमें उसे loosen करना है ताकि हम उसमें seed डाल सकें, manures, fertilizers डाल सकें और हमारी crop grow कर सके. So basically the process of loosening and turning of the soil is known as plowing, which is also known as tilling. So yes, all the instrument, whatever we are using during the plowing process or agricultural process, is known as agricultural implements. Agricultural implements. Implements means the instruments, whatever we are using during complete process of the agriculture, so is known as agricultural implements. So basically for plowing purposes we are using three main instruments or implements. First one is plow, second one is hoe, and third one is cultivator. So first of all we are going to discuss about this plow. This is the diagram of the plow. Maybe you have seen in the fields used by the farmers and all. So yes, in this a triangular piece is there. It is a wooden piece which is known as handle, and यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम प्लोशियर बोलते हैं, which is attached with a long wooden rod known as plow shaft. तो ये हमारे पास एक प्लो का डायग्राम है और यहाँ पर इसके हेल्प से लूजन होती है सोयल, ठीक है. सेकेंड वन इज हो. इसमें क्या होता है कि एक लॉन्ग रोड है जो अगेन वुडन ही है और यहाँ पर एक शार्प ब्लेड लगा हुआ है जिसको हम बेंट शेप बेंट ब्लेड बोलते हैं. ग्रिप लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है, रोड जो वुडन रोड है और यहाँ पर एक लॉन्ग वुडन प्लैंक ही होता है जिसको हम बीम बोलते हैं. ये बुल के नेक पे रखा जाता है, दो बुल्स के यहाँ पर बैलेंसिंग करके उनके नेक पे रखा जाता है. पीछे ये ब्लेड अंदर डाला जाता है और फार्मर्स उनको लेके जाते हुए आगे बुल चलता रहता है, वहां पर होल होते जाते हैं, सोइल लूजन होती जाती है और वो साथ में मैन्यूरिंग करते जाते हैं या सीड्स डालते जाते हैं. तो इस तरह से यहाँ पर ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा हुआ होगा, ये भी आप लोगों ने देखा हुआ होगा फील्ड्स में व्हेन द फार्मर्स आर यूजिंग देम. तो ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं विच वर यूजिंग बिफोर, बहुत ही सालों से यूज होते आ रहे हैं, बहुत ही सालों से किसान यूज करते हैं, फार्मर्स यूज करते हैं वो ग्रोइंग देयर क्रॉप्स. बट नाउ टाइम हैज बीन चेंज्ड. तो अभी क्या है, फार्मर्स की रिक्वायरमेंट अलग हो गई है. दे वांट टू सेव देयर लेबर एंड टाइम टू, दोनों के दोनों टाइम को भी सेव करना चाहते हैं और लेबर को भी सेव करना चाहते हैं. सो नाउ देयर इज न्यू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज हैव कम, उसमें बहुत सारे अलग अलग इम्प्लीमेंट्स आए हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें आई हैं. तो बेस्ट वन इज कल्टीवेटर्स. कल्टीवेटर्स आर बेसिकली ट्रैक्टर्स. आप लोगों ने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे ना ऐसे ऐसे ब्लेड्स लगे होते हैं, आगे ट्रैक्टर रन कर रहा है और पीछे वो ब्लेड जो है वो उसको लूजन करते हुए जाते हैं सोइल को, और वहां पर सोइल जो है टर्न होती जाती है, टर्न होती है और लूजन होती है. तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि कोई भी मेहनत नहीं लगी, लेबर नहीं लगा, तो इट सेव्स लेबर और टाइम, क्योंकि ट्रैक्टर तो बहुत जल्दी मूव करता है, इतना जल्दी कोई भी एनिमल या इंसान थोड़ी मूव करेगा क्योंकि उन्हें वो प्लो करने में बहुत टाइम लग जाता है, एनर्जी भी कंज्यूम होती है, बट इट सेव्स टाइम एंड लेबर. तो इसीलिए बहुत अच्छा मेथड है, मॉडर्न मेथड है, एंड नाउ डेज मेनी ऑफ द फार्मर्स आर यूजिंग दिस कल्टीवेटर्स ओनली. तो अभी हमने इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि व्हाट इज प्लोइंग एंड टिलिंग, सो व्हाई वी आर स्टडिंग इट, व्हाई वी आर
मतलब व्हाट इज इट्स हेल्प, ये हमें क्या हेल्प करती है, इसका क्या काम है? तो फार्मर्स को प्लोइंग करना क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ यूजेस, इट हेल्प्स इन नंबर ऑफ वेज टू द फार्मर्स। बहुत ज्यादा तरह से वो हेल्प करती है कि अगर लूजिंग नहीं करेंगे तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, या ये लूजिंग कर देंगे सोयल को तो उससे क्या क्या फायदे मिलेंगे। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग। मेनी एडवांटेजेस आर देयर। फर्स्ट वन इज, हमें पता है कि इफ द सोयल बिकम लूजन और टर्न तो एयर गैप्स विल इंक्रीज इन द सोयल। एयर गैप्स बढ़ेंगे तो एयरेशन बढ़ेगा, उनका जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा, विच इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, एयरेशन बढ़ जाएगा। सेकेंड वन इज, जब हम लूजन करेंगे तो उसके अंदर सोयल के पार्टिकल लूज हो जाएंगे, ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो टूट जाएंगे। एंड वेन वी आर एडिंग वॉटर नाउ इन दिस सोयल, देन वो वॉटर ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा पानी को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो वॉटर लॉगिंग कैपेसिटी जो है सोयल की वो बढ़ जाएगी। सो बेसिकली वी कैन से दैट इट इंक्रीजिंग द वॉटर लॉगिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल। थर्ड वन इज, अब क्या है कि एयर गैप्स बढ़ गए, बीच में सोयल के बीच में गैप आ गए। अब रूट ने तो ग्रो करके सोयल में ही जाना है, तो ये अगर गैप्स आ गए हैं तो सोयल की जो प्लांट की जो रूट है वो ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर पाएगी। सो वी कैन से दैट द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द रूट विल इंक्रीज बाय लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सोयल। नेक्स्ट वन इज, इफ वी आर एडिंग मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द सेम फील्ड, तो वो ज्यादा अंदर तक मिक्सिंग हो जाती है उसकी। समटाइम्स द फार्मर्स एड्स मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स बिफोर द प्रोसेस ऑफ द प्लोइंग, सो दैट दे बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द सॉइल पार्टिकल्स। तो वो नीचे तक जाके टर्न अप होके जो सॉइल आ रही है वो अंदर तक मिक्स होते जाए, और बेसिकली हर एक पार्ट ऑफ द सॉइल में मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स रहे, तो इसलिए ये हेल्प करती है मिक्सिंग में। तो ये हमारा नेक्स्ट यूज हुआ। इसके अलावा और क्या क्या यूज हो सकते हैं? यस, इससे क्या है, लेवल ऑफ द सॉइल, जो लोअर लेवल ऑफ द सॉइल है वो इंक्रीज मतलब ऊपर आ जाता है। जो सॉइल नीचे नीचे है, मे बी मान लो कि कई बार क्या होता है कि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऊपर वाली सॉइल के तो न्यूट्रिएंट्स इट वाज टेकन बाय द क्रॉप, जो भी क्रॉप प्रोडक्शन हमने करवाया था ऊपर वाले सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके हैं। लेकिन रूट्स की भी तो एक पावर है ना, कहाँ तक वो पेनिट्रेट करेगी, ज्यादा अंदर तक तो वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। तो ये जहां तक उसने पेनिट्रेट किया वहां तक उसने सारे के सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, जो भी सारे मिनरल्स थे, जो भी सब हेल्दी सामान था सोयल के अंदर, वो सब एब्जॉर्ब कर लिया। बट जो उस रूट मान लो यहाँ तक पेनिट्रेट किया, उसके नीचे वाली सोयल है वहां पर तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एज इट इज पड़े हैं। तो बाय टर्निंग ऑफ द सोयल क्या होता है, नीचे वाली सोयल ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। सो ऑल द न्यूट्रिएंट्स व्हाट एवर प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द सोयल विल कम अप टू द अपर लेयर ऑफ द सोयल एंड हेल्प इन द बेटर ग्रोथ नेक्स्ट टाइम, बेटर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स नेक्स्ट टाइम। तो जो अब हम क्रॉप कल्टीवेशन करेंगे तो उसमें वो हेल्प करेगी और न्यूट्रिएंट्स हमें बाहर से कम सप्लाई करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि जब प्लोइंग करते हैं तो छोटी 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 घास रह गई है, वीड्स बोलते हैं जिसे हम, एक्स्ट्रा मतलब वीड्स आर दोज पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर नॉट रिक्वायर्ड बट ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप, जो मेन क्रॉप के साथ ग्रो कर गए हैं लेकिन हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, तो वो जो सारी वीडिसाइड्स हैं, जो वीड्स हैं, वो सब के सब रिमूव हो जाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द प्लोइंग। सो दीज मैनी यूजेज आर देयर, यू कैन सी दैट कि हम प्लोइंग कितना जरूरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप और फॉर प्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट क्रॉप। पहले वाली क्रॉप में तो हो चुका है, अब अगली क्रॉप को ग्रो करने से पहले ये करना कितना जरूरी है, ठीक है? सो दिस इज अबाउट द प्लोइंग एंड टिलिंग। अब क्या होता है कि अर्थवर्म्स, आप लोगों को पता है अर्थवर्म्स आर द क्रीपी क्रिएचर, इस तरह के वो होते हैं, उनके बहुत छोटे छोटे पैर लगे होते हैं और दे आर क्रीपिंग ऑन द फ्लोर, ऐसे ऐसे करके वो चलते हैं, है ना, हमें पता है। तो यस, बेसिकली क्या होता है कि दे ग्रो इन द सॉयल, दे कैन मूव इन द सॉयल, दे लिव इन द सॉयल, तो ये सॉयल के अंदर ही रहते हैं और वहां पर सॉयल के बीच में चलते रहते हैं। जब ये चलते हैं तो यस ऑब्वियसली दे मेक अ एयर गैप, बीच में स्पेस बना रहे हैं, है ना, जितनी ज्यादा अर्थवर्म की प्रोडक्शन होगी
उतना ही ज्यादा एयर के सॉइल के बीच में एयर गैप्स बनेगा, स्पेस बनेगा, और उतनी ही सॉइल अपने आप से लूजन होती जाएगी। और सेकेंड एडवांटेज इसका क्या है कि व्हेनेवर दे विल डाई, ऑब्वियसली सॉइल में है, सॉइल के अंदर ही मरेंगे वो भी, तो व्हेनेवर दे विल डाई दे इंक्रीज द ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो यस, ह्यूमस सबसे ज्यादा जरूरी है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट और फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। सो बेसिकली अर्थवर्म्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो इस तरह से ये हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है, हमने प्लोइंग कर लिया, टीलिंग कर लिया, नेक्स्ट इसका ही इसी प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल का सेकेंड पार्ट है, दैट इज टील, नहीं सॉरी लेवलिंग। लेवलिंग में क्या होता है, बेसिकली जो अब सोइल ऊबर खाबर हो चुकी है, टर्न अप हो चुकी है, लूजन हो चुकी है, उसको फिक्स करना अपने पोजीशन पे। तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं, नॉट सो मच हाई प्रेशर इज अप्लाइड, ओनली अ स्मॉल लेवल ऑफ प्रेशर इज अप्लाइड बाय द लेवलर्स। वो छोटे छोटे हमारे पास वुडन प्रैंक्स होते हैं, वुडन लेवलर्स होते हैं, वो रखे जाते हैं, प्रेस किए जाते हैं, अदरवाइज दिस वर्क कैन बी डन बाय द एनिमल्स टू। तो यस, एनिमल्स भी जब वॉक करते हैं, ऑब्वियसली बाय वॉकिंग दे आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सॉइल पार्टिकल्स, तो इस तरह से भी जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो लेवल पे आते जाते हैं। सो बेसिकली लेवलिंग इज डन आफ्टर द प्लोइंग एंड इट इज अ मैंडेटरी स्टेप ऑल्सो, ये भी उतना ही जरूरी है जितना प्लोइंग जरूरी है। सो नाउ वी आर गोना डिस्कस अबाउट कि वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस ऑफ लेवलिंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तो लेवलिंग से अगर हम समझ सकते हैं तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज क्या आएगा, फर्स्ट एडवांटेज ये आएगा, यस अगर हम डिस्कस करते हैं, ओके सो सबसे फर्स्ट एडवांटेज इसका क्या है कि जो सॉइल पार्टिकल्स टर्न अप हो गए हैं वो दोबारा फिक्स हो जाएंगे एंड इट विल डिक्रीज द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज द वेदरिंग ऑफ द सॉइल या फिर रिमूवल ऑफ द सॉइल अपरमोस्ट सॉइल पार्टिकल फ्रॉम द बाय द विंड एंड वाटर। जब हवा चलती है या पानी बहता है तो वो अपरमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल को अपने साथ बहाता हुआ ले जाता है और सबसे अपरमोस्ट लेयर इज द टॉप फर्टाइल लेयर, हमने किया था लास्ट ईयर सॉइल में, तो इट इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर। अगर वही चली गई तो हाउ द क्रॉप विल प्रोड्यूस इन दैट पर्टिकुलर एरिया, नहीं ग्रो कर सकती। सो एक्चुअली वी ट्राई टू बाउंड इट आउट, हम चाहते हैं कि वो बाउंडेड फॉर्म में रहे, किसी भी तरह से इरोजन ना हो, किसी भी तरह से वो वहां से उड़ के ना चली जाए, बह के ना चली जाए, तो उसके लिए उसका लेवलिंग करना जरूरी है। सो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग इम्प्रूव्स या डिक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। नाउ वी कैन से दैट कि ये इसके अलावा ये हेल्प करती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉटर। अगर मेरे पास ऐसा कोई स्लोप बन जाए तो ऑब्वियसली अगर मैं पानी डालूंगी तो वो यहां से बहता हुआ सिर्फ यहीं पर इकट्ठा होगा, सॉरी सो वो सिर्फ यहीं पर ही इकट्ठा होगा, ये वाली सारा का सारा एरिया तो खाली रह गया। सो बेसिकली इसलिए लेवलिंग जरूरी होता है सो दैट वॉटर एंड न्यूट्रिएंट्स विल गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द फील्ड। तो वहां पर ऐसा ना हो कि एक जगह पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, एक जगह पे कम इकट्ठा हो गया, तो उससे मुश्किल होगी, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। सो इसलिए लैबलिंग जरूरी है। एंड द लास्ट वन यूज इज, इससे क्या होता है कि कुछ एक पार्टिकल्स, कई बार बड़े बड़े पार्टिकल्स रह जाते हैं सोइल में, तो लैबलिंग करने से दे विल क्रश इंटू स्मॉल पार्टिकल्स, तो वो बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे और जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन इजिली हो पाएगा। So these are the uses of the labeling. Yes, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि sometimes a farmer added manure before the process of the ploughing. वो ploughing करने से पहले manures को add कर देता है so that जब भी ploughing होगी तो वो manure will get equally distributed among all the soil particles, among all the field. So इसलिए वो कई बार पहले कर देता है। So yes, Peter, this is the first step in your goal. That is preparation of the soil, which comprises of two further short steps, plowing and leveling. So this process we have discussed in detail in today's lecture. Rest of the process we are going to discuss in our upcoming lectures. So this is all about for today's video. Thank you.